बसमीम गेट वे टू फिज़िक्स चैनल के ऊपर हम नाइन्थ के फ़िज़िक्स डिस्कस कर रहे हैं और हमारा आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है अगर हम इसको समझें तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है चूंकि डेली लाइफ के साथ हमारा इसके साथ बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक है और अगर अगरचे हमने लिखा है रेफ्रिजरेटर बट इट ऑल्सो इंक्लूड्स एयर कंडीशनर्स एयर कंडीशनर्स भी उसी प्रिंसिपल के ऊपर काम करते हैं जिसके ऊपर रेफ्रिजरेटर आ, काम करते हैं और आ, उसमें जो है तो मतलब कोई ऐसा बुनियादी फ़र्क नहीं है फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि एक कोलिंग जो है लिमिटेड होती है रेफ्रिजरेटर की एक बॉक्स के अंदर होती है बाहर नहीं होती है बॉक्स खोलेंगे तो बाहर आएगी वरना अंदर ही रहेगी रेफ्रिजरेटर की जो कूलिंग होती है वो पूरे कमरे में या हॉल में या जो भी स्पेसिफिक एरिया जहाँ पर आप चाहते हैं सो अब एक रेफ्रिजरेटर काम कैसे करता है हम पिछले लेक्चर में पिछले टॉपिक में हमने ये बात की थी कि एवोपोरेशन से कूलिंग होती है और जितनी ज़्यादा एवपोरेशन होगी जितनी तेज़ एवोपोरेशन होगी उतनी ज़्यादा कूलिंग होगी अब एवोपोरेशन डिपेंड करती है इस चीज़ के ऊपर कि किसी चीज़ का बॉयलिंग पॉइंट कितना है जितना कम बॉइलिंग पॉइंट होगा उतनी उसकी कूलिंग ज़्यादा होगी अब लेट सपोज़ अगर किसी चीज अब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है हंड्रेड सेंटीग्रेड तो बहुत स्लो किस्म की कूलिंग करता है लेकिन उसके मुकाबले में अगर आप देख लीजिए दूसरी चीज़ों को लाइक अमोनिया को ले लें तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो है अब बहुत लोगों का मतलब यह है कि मामूली सी भी अगर इसको हीट मिल जाती है तो उसके ऊपर ये आ, एवोपरेट होना शुरू हो जाती है और एवोपरेशन हीट से हमारी मुरादी है सराउंडिंग की हीट तो उस एवोपरेशन के नतीजे में हमारे पास एक अच्छी कूलिंग हमें जल्दी तेज़ कूलिंग मिलती है डियर स्टूडेंट एक बात जहन में रखिएगा कि जितनी भी गैसेस हैं अगर उनको आप कंप्रेस करें और ठंडा करें तो वो गैसेस कन्वर्ट हो जाती हैं लिक्विड्स में अगर मज़ीद ठंडा करेंगे तो वो लिक्विड सॉलिड में भी कन्वर्ट होगा बट यहाँ पे मैं अपनी बात को बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट करूँगा कि जितनी भी गैसेस हैं उनकी ये प्रॉपर्टी है कि आप एक तो उनको कंप्रेस करें उनका वॉल्यूम कम करें उनको दबाते चले जाएं और साथ ही आप उनको ठंडा करते जाएं। अगर अगरचे हमारे टॉपिक के साथ डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है लेकिन आपने देखा होगा जितने सी एन होते हैं वहाँ पे बड़े बड़े टावर्स होते हैं कूलिंग टावर्स होते हैं पानी आ रहा होता है और वो जो कंप्रेसर है उसको ठंडा कर रहा होता है गैस जब भरती है वो भी आपने देखा होगा कि बहुत गर्म होती है क्योंकि कंप्रेशन के बाद गैस का टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है अगर आप एक साइकिल के पंप को भी कंप्रेस करें तो आपको निचला हिस्सा गर्म मिलेगा और वहाँ भी वजह कंप्रेशन ही होती है सो हम चाहते ये हैं कि अगर हमें कोई ऐसी गैस मिल जाए कि अगर हम उसको कंप्रेस करें और वो लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए तो क्या ही बात है यानी हमें ये मसला नहीं रहेगा कि अब हमने इसको ठंडा कर लें कूलिंग हमारा मसला नहीं रहेगा या इसका जो इसका टेम्परेचर ड्रॉप करना है वो खुद ही हीट जो इन्वामेंट को छोड़ देगी तो हमारे लिए काम थोड़ा आसान हो जाएगा ये ऑप्शन ये जो फैसिलिटी है हमें अमोनिया में भी मिलती है अगर क्या अमोनिया में ये बहुत कम है अमोनिया के बाद हमारे पास जो एक ख़ास तौर पे डाई क्लोरो डाईफ्लोरोन या जिनको हम सादा लफ्ज़ों में सी एफ़ सी कहते हैं क्लोरोफ्लोरो कार्बन हमारा यानी ये फिजिक्स है केमिस्ट्री नहीं है तो हमें इस डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है आ, ये भी जेहन में रखिएगा कि अभी सी एफ़ सी को रिप्लेस करके दूसरी गैसेस भी यूज़ की जा रही हैं लेकिन हमारा यहाँ पे उन डिटेल्स में जाना नहीं है फिर अगर हमारे स्टूडेंट इंजीनियरिंग uh, में जाएँ रेफ्रिजरेशन साइट पर जाएँ तो फिर उनको पढ़ें और कमेंट्स हमें दें या अगर आप लोगों के पास नॉलेज है तो हमारे साथ शेयर करें वी वुड लाइक टू बोरो योर नॉलेज अब सी एफ सी बेसिकली गैसेज हैं जिनको हमने करना क्या है हमने इनको कंप्रेस करना है अब कंप्रेशन के नतीजे में होता यह है कि ये जो गैस है ये कन्वर्ट हो जाती है किसमें लिक्विड कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है आहिस्ता मतलब दूसरी चीज़ों की बनस्बत बड़ा आसानी से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है लेकिन अंडर प्रेशर कंप्रेस की बात कर रहे हैं तो नेचुरली अंडर प्रेशर ये सब कुछ हो रहा अब अगर हम प्रेशर रिलीज कर देंगे तो क्या होगा मैंने पिछले लेक्चर में भी आपसे बात की थी कि हमारे पास एक लिक्विड है डाईथाइल ईथर जिसको हम यूज करते हैं या आमतौर पर सिर्फ ईथर भी कहते हैं ये खिलाड़ियों को स्प्रे तो अब वो जो बॉटल है उसके अंदर तो अंडर प्रेशर है कंप्रेस्ड है जैसे ही उसमें से निकलता है तो होता क्या है कि वो उसको प्रेशर कम हो जाता है उसको फैलने का मौका मिल जाता है तो वो करता क्या है कि वो दोबारा कन्वर्ट होता है किस में गैस में लेकिन गैस में कन्वर्ट होते हुए एक ख़ास चीज़ कि वो जो हीट यहाँ पे कंप्रेस होते हुए उसने वो हीट लूज़ की थी वो जो हीट उसने खारिज की थी वो हीट अब उसको दोबारा चाहिए वो वापस अब वापस कहां से लेता है सराउंडिंग से लेता है तो जब ये गैस में कन्वर्ट होता है तो ये हीट को जबरदस्ती स्नैच करता है कहां से सराउंडिंग वो सराउंडिंग जो भी है चाहे मैं हूं कोई सरफेस है लिक्विड है कोई भी चीज है वहां से और उसके नतीजे में क्या होता है जब आप हीट को निकाल देते हैं तो कूलिंग देखिए बेसिक प्रिंसिपल ये है अब अगर कोई तरीका हो कि इस गैस को हम फिर वापस इधर ले जाएं तो क्या ही बात है ये तो चीज़ें चलती रहेंगी तो ये हीट उसमें से रिमूव करता रहेगा और कूलिंग होती रहेगी और हमें लोवरिंग ऑफ टेम्परेचर में वो चीज़ मिलती रहेगी अब ये डिज़ाइन है ये हमारा थ्योरेटिकल डिज़ाइन है इसको हासिल करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं डिवाइस जो यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड रेफ्रिजरेटर मैंने आपसे कहा कि एयर कंडीशनर इज डूइंग आल्सो द सेम थिंग अब इसीलिए एयर कंडीशनर ये रेफ्रिजरेटर में सबसे पहला जो कंपोनेंट है दैट इज कंप्रेसर कंप्रेसर इज अ स्मॉल पंप बिजली की मोटर उसमें लगी हुई है बड़ी मजबूत अच्छी किस्म की मोटर लगी हुई है आ, काफी पावर की मोटर है वो मोटर क्या कर रही है वो सिर्फ बिल्कुल जैसे आपके साइकिल का पंप दब रहा है बिल्कुल उसी तरह बस सिर्फ उसका पिस्टन बहुत छोटा है उसको मुसलसल दबा रही है किस चीज़ को दबा रही है सी एफ सी को ये जो गैस है उसके अंदर आ, कूलेंट जिसको कहते हैं ये गैस जो उसके अंदर है उस गैस को ये कंप्रेस करती है जब कंप्रेस करती है तो गैस वो जो कंप्रेस्ड गैस है वो हीट को लूज़ करती है इसीलिए कंप्रेसर को यहाँ पे मैं डिटेल नहीं दे रहा हूँ आप बुक से देख सकते हैं मैं सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कंप्रेसर का अगर जी ये हमारा ये बात हम ये टॉपिक अपने नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट यूनिट में डिस्कस करेंगे उसका कलर आमतौर पर आप देखेंगे ब्लैक होता है क्योंकि ब्लैक कलर्स हीट को बड़ा इजी लूज़ करता है गेन भी ज़्यादा करता है और लूज़ भी ज़्यादा करता है तो अ गुड एब्जॉर्बर इज़ अ गुड एमटर वाली बात है बाहर तो कंप्रेसर क्या होता है कि गैस को कंप्रेस करता है और अगर आप देखें अब द प्रोसेस इन विच गैस इज कन्वर्टेड द प्रोसेस इन विच गैस इज कन्वर्टेड इन लिक्विड इज कार्ड जी स्टूडेंट क्या कहते हैं उसको केमिस्ट्री में जाइए इसको जरूर देखें इट्स कार्ल कंडेंसेशन अब कंडेंसेशन एक एवोपरेशन था एवोपरेशन में क्या हुआ लिक्विड गैस में कन्वर्ट हुआ अब कंडेंसेशन क्या है गैस कन्वर्ट हो रही है लिक्विड में सो so, कंप्रेसर के बाद जो हमारे पास दूसरा कंपोनेंट आता है दैट इज कंडेंसर अब कंडेंसर करता क्या है अगर आप रेफ्रिजरेटर को देखें तो ये एक आपको कुछ लगभग मेरी ड्राइंग तो शायद इतनी अच्छी ना हो ये कुछ कंप्रेसर से मिलती जुलती शक्ल है आप इसी पे गुजारा करें यहां से अगर आप अपने रेफ्रिजरेटर में जाएं, तो एक पाइप निकला होगा जो आगे कुछ इस टाइप का एक आपको एक उसका हिस्सा नजर आएगा दिस दिस इज कंप्रेसर दिस इज अब यहाँ से जो कंप्रेस्ड गैस है वो यहाँ निकलती है ये इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर जो भी है वो इंजीनियर्स का हिस्सा है आ, उसके ऊपर वही गुफ्तगु कर सकते हैं दे अंडरस्टैंड मच मच बेटर देन मी आई एम नॉट ऑथोराइज टू टॉक अबाउट देम यहाँ पे ये जो गैस है इसका बहुत बड़ा हिस्सा कंडेंस होना शुरू होता है यानी गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू होता है ये आपको बहुत गर्म मिलेगा ये नस्बता कम होगा यहाँ पे हीट इसमें से निकलती जाएगी लेकिन ये भी गर्म होगा लेकिन इसकी बनस्बत कम उसके बाद अगर आप देखें तो बैक साइड पे आपको यूं एक पाइप और ये हम फ्रिज रेफ्रिजरेटर का बैक देख रहे हैं ये आपको एक पाइप यूं ऊपर को इस तरह आ, बल खाता हुआ नज़र आएगा जो टॉप पर जाके गायब हो जाएगा और ग़ायब कहाँ होता है ये अगर आप किसी रेफ्रिजरेटर वाले की दुकान में जा कर देखें तो वहाँ को आपको नज़र आएगा कि जो सबसे ऊपर फ्रीजिंग बॉक्स होता है यहाँ पर भी उसका एक अपना खास नाम इस्तेमाल करते हैं ये पाइप ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे आपको जालियाँ नजर आएंगी और इस पाइप का रंग भी आपको काला ही मिलेगा क्यों ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा हीट लूज़ करता है अब ये जो कंप्रेस्ड गैस थी जो कंडेंसर से गुजरी अब इसमें से जैसे जैसे ये जो हीट है वो निकलती जा रही है तो ज्यादा से ज्यादा जो गैस थी वो कन्वर्ट हो रही है किस चीज में लिक्विड में सो so, अब कंडेंसर करता क्या है ये यहां से गैस कंप्रेस्ड गैस स्टार्ट्स टू कन्वर्ट इनटू लिक्विड यानी वो जो गैस सीएफसी था वो लिक्विड सीएफसी में कन्वर्ट हो जाता है अब ये जो पाइप है ये आप देखेंगे ये बड़ा तंग सा पाइप होता है अगर आप रेफ्रिजरेटर्स जो रिपेयरिंग शॉप्स हैं उन पे जाएं तो आप देखेंगे कि हमारे जो फ्रीजिंग बॉक्स है ये कुछ लगभग इस किस्म का आपको दिखने में मिलेगा ये मैं पूरा फ्रिज नहीं सिर्फ फ्रीजिंग बॉक्स बना रहा हूँ हम इसका दरवाज़ा खोल देते हैं चीज़ें रख देते हैं लेकिन अगर, अगर अब कभी आप उनकी शॉप पे जाएँ तो आपको एक मोटी कॉपर की वायर इसके साथ बिल्कुल यूं लिपटी हुई मिलेगी ये आपको नज़र नहीं आती है ये इस साइड से होती है यानी ये, ये इसका ओपन है ये इसका विंडो है तो ये इसके गिर्द यूँ इस तरह इसने बल खाए होते हैं और ये लिपटी हुई होती है ख़ास बात इसकी ये है कि अगर आप इसको देखेंगे तो ये बड़ी नैरो होगी अगर मैं इसको बनाऊंगा तो ये कुछ बहुत तंग सी इसकी नाली होती है लेकिन अगर आप इसको देखेंगे तो इसकी बनिस्बत ये इसका जो डायमीटर है वो ज्यादा है यानी ये पाइप इसकी बनिस्बत ज्यादा बोर की है अब हुआ क्या और यहाँ पे एक अदद ये जहाँ पे एंड हो रही थी यहाँ पे एक बिल्कुल वेल्व लगा होता है वेल्व क्या है छोटा सा एक जेट है और जब कोई बिल्कुल सुराख की तरह बारीक सी ओपनिंग हो उसको हम जेट कहते हैं यहां से ये जो लिक्विड है जब ये निकलता है और जब यहां पे दाखिल होता है तो यहां पे तो उसको अच्छी खासी जगह मिल रही है जब जगह बढ़ गई है तो वो लिक्विड जो अंडर प्रेशर यानी कंप्रेसर ने जो प्रेशर जनरेट किया था वो देखिए वो सारा प्रेशर मेंटेन है वो जब यहाँ पहुंचता है तो प्रेशर कम हो जाता है अब प्रेशर जब कम होता है तो इन पाइप्स में लिक्विड जब

चूंकि यहां पे इस फ्रीजिंग बॉक्स के अंदर यानी जो पाइप हैं उनमें एवोपुरेशन होती है इसीलिए इसको आम लोग तो फ्रीजिंग बॉक्स कहते हैं फिजिक्स में इसके लिए एवोपोरेटर का लफ्ज इस्तेमाल होता है सो वी हैव थ्री कंपोनेंट्स द फर्स्ट वन इज कंडेंसर कंप्रेसर देन कंडेंसर एंड द थर्ड वन इज अब ये जो पाइप अंदर है इसके अंदर ये ज्यादातर जो लिक्विड uh, था वो गैस में कन्वर्ट हो गया अब जब गैस में कन्वर्ट हो गया तो क्या करते हैं हम इस पाइप को वापस लेके आते हैं कंप्रेसर में तो अगर आप कंप्रेसर को जाकर चेक करें तो उसमें आपको दो पाइप मिलेंगे एक आउटलेट यानी इसके साथ और एक इसको आता हुआ यहाँ पे फिर वही ये जो सी एफ सी है गैस फेज में फिर दोबारा आती है फिर कंप्रेस होती है फिर ये प्रोसेस अब हर दफ़ा ये करती क्या है कि इसमें से हीट निकाल दी जाती है और अंदर चीज़ें जो हैं उनमें से हीट निकालती जाती है और बाहर एनवायरनमेंट में फेंकती जाती है नतीजतन इंटरनल ऑब्जेक्ट जो हैं उनकी हीट कम होते होते कूलिंग प्रोड्यूस होती है यानी उनकी हीट कम हो जाती है और आम जुबान में जिसको हम कूलिंग कहते हैं ये होता है दिस वॉज ऑल अबाउट योर रेफ्रिजरेटर अब रेफ्रिजरेटर uh, का जो है uh, इसी स्ट्रक्चर को अगर हम थोड़ा सा चेंज कर दें इसमें अगर फ़ैन लगा दें तो अंदर जो कूलिंग प्रोड्यूस हो रही है वो बाहर को आना शुरू हो जाएगी अगर हम किसी तरीके से रेफ्रिजरेटर का आधा हिस्सा uh, कमरे से बाहर रख दें और सिर्फ इसका ये हिस्सा बाहर रख, uh, कमरे के अंदर करके इसमें फ़ैन लगा दें तो इसमें से ठंडी हवा आना शुरू हो जाएगी और यही स्ट्रक्चर कन्वर्ट हो जाएगी uh, एक एयर कंडीशनर में आई uh, होप कि आपको भी इंटरेस्टिंग लगा होगा और समझ भी आया होगा थैंक यू वेरी मच